दोस्तों भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज और बॉलर और आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, जो कि अपनी शानदार बैटिंग और बॉलिंग का लोहा सारी दुनिया में मनवा चुके हैं। हार्दिक अक्सर मीडिया कवरेज में रहते हैं, कभी अपनी बैटिंग को लेकर तो कभी अपनी बॉलिंग को लेकर, और साथ ही में मैदान पर जो उनकी अतरंगी हरकतें होती हैं वह कहीं ना कहीं और भी ज़्यादा उनकी मीडिया कवरेज का कारण रहती हैं। हार्दिक पांड्या अपने करियर में काफ़ी सफल हैं और उन्होंने काफ़ी लंबे संघर्ष और मेहनत के बाद इस मुकाम को हासिल किया है। और हार्दिक के बारे में जैसा कि भारतीय बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग कहते हैं कि जब तक हार्दिक पांड्या मैदान पर है तब तक वो अकेले ही मैच को जिताने का दम रखता है, और ऐसा हार्दिक पांड्या अपनी बैटिंग के जरिए कई बार साबित भी कर चुके हैं। हालांकि आज की इस वीडियो में हम हार्दिक पांड्या के करियर और उनके संघर्ष से भरे जीवन के बारे में तो ज्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम पहले ही इस टॉपिक पर एक वीडियो बना चुके हैं। बल्कि आज की इस वीडियो में हम हार्दिक पांड्या और उनकी फियांसे नताशा स्टैंकोविक की लव स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। वैसे तो आपने नताशा को काफी सारे टीवी एड्स, शोज और म्यूजिक वीडियोस में देखा होगा, लेकिन 1 जनवरी 2020 जब हार्दिक पांड्या ने अपने सोशल मीडिया में अपने फैंस को ये बताया कि वह नताशा से प्यार करते हैं और उन्होंने अपनी एंगेजमेंट की वीडियो भी अपने सोशल मीडिया पर शेयर की, उसके बाद से तो शायद ही कोई ऐसा क्रिकेट फैन होगा जो हार्दिक और नताशा के बारे में ना जानता हो। और हाल ही में नताशा स्टैंकोविक ने अपने सोशल मीडिया से ये बताया कि वह माँ बनने वाली हैं, जिसके बाद से उनके फैंस ने उन्हें ढेर सारी बधाइयाँ दी। हालांकि इस वीडियो को देखने के बाद आप नताशा के बारे में जानने के साथ साथ हार्दिक और नताशा की इंटरेस्टिंग लव स्टोरी के बारे में भी काफ़ी कुछ जान जाएंगे। तो दोस्तों कहानी की शुरुआत हुई 4 मार्च 1992 में, जब नताशा का जन्म यूरोप के सर्बिया देश में हुआ। इनकी माँ का नाम राडमिला स्टैंकोविक और पिता का नाम गोरन स्टैंकोविक है। इनके पिता वहाँ एक बिजनेसमैन हुआ करते थे, और इनके अलावा उनके घर में उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम है नेनाद स्टैंकोविक। नताशा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई से लेकर पोस्ट ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई सर्बिया में ही की, और उसके बाद मॉडलिंग में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई में शिफ्ट हो गई। इसके बाद से उन्होंने अनेकों टीवी एड्स और शोज में काम किया, लेकिन जब नताशा ने बिग बॉस सीजन 8 में एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया, उसके बाद से उनकी पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा बढ़ गई। हालांकि वो उस शो को जीत तो नहीं पाई थी, पर उसके बावजूद भी वे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना नाम बनाने में कामयाब रही थी। वहीं से नताशा के बॉलीवुड में सफल करियर की शुरुआत हुई। उसके बाद से नताशा को जब बादशाह के गाने डीजे वाले बाबू और बंदूक में देखा गया, उसके बाद से उन्हें और भी ज्यादा अच्छी पहचान मिलने लग गई। इसके साथ ही नताशा ने डांस रियलिटी शो नच बलिए 9 में भी भाग लिया, जहां से भी उन्हें अपने फैंस से काफी प्यार और सपोर्ट मिला। इन सभी चीजों के अलावा नताशा बॉलीवुड फिल्म सत्याग्रह और एक्शन जैक्सन में अजय देवगन के साथ भी काम करती हुई नजर आई थी, और उन्होंने कुछ तमिल फिल्में भी करी जैसे कि अरेमा नाम्बी और दाना कयानू। फिर 2019 में रिलीज हुई वेब सीरीज द हॉलीडे में भी नताशा काम करती हुई नजर आई थी। इसके अलावा नताशा गोविंदा की फिल्म हाफ फ्राइडे और शाहरुख खान की कुछ फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। नताशा का बॉलीवुड करियर काफी अच्छा चल रहा था और वह अपने करियर में सफलता की सीढ़ियों को लगातार चढ़ रही थी, और इसी बीच उनकी मुलाकात एक पार्टी में हार्दिक पांड्या से हुई। ऐसा बताया जाता है कि हार्दिक और नताशा की मुलाकात एक नाइट क्लब में हुई थी, और हार्दिक को पहली ही नजर में नताशा से प्यार हो गया था। वहीं से नताशा और हार्दिक के बीच बातचीत शुरू हुई, और धीरे धीरे ये बातचीत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग में बदल गई। इसके बाद कई महीनों तक नताशा और हार्दिक ने अपने इस रिलेशनशिप को एक राज बनाकर रखा, और जब उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें ये खबर पूरी दुनिया को बता देनी चाहिए, तब वे आगे आकर इस खबर को दुनिया के सामने लेकर आए। हार्दिक ने अपने प्यार को लेकर अपने घर वालों और नताशा के पेरेंट्स से बात करी, जिसके बाद 1 नवंबर 2020 को हार्दिक ने अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अपने एंगेजमेंट के बारे में अपने फैंस को बताया। हार्दिक और नताशा ने अपनी एंगेजमेंट दुबई में समुद्र की लहरों के बीच में एक यार्ड पर करी थी। उसके बाद से तो नताशा को हर वह व्यक्ति जानता है जो क्रिकेट और हार्दिक पांड्या का फैन है, और हाल ही में नताशा स्टैंकोविक ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए ये बताया कि वह माँ और हार्दिक पिता बनने वाले हैं, और इसके बाद से ही देश भर में उनके फैंस काफी खुश हैं। तो दोस्तों कुछ इसी तरीके से हार्दिक पांड्या और नताशा स्टैंकोविक की लव स्टोरी शुरू हुई थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं,
और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक से मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप ऐसी वीडियो पहली बार देख रहे हैं और ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूँगा।